हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज के जो प्रश्न हैं बड़े ही दमदार हैं और आपको हमेशा से कंफ्यूजन में डालने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक बार चलने से पहले प्रश्न की तरफ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आज तो कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो शेयर करते हैं, उनका मैसेज मैं देख भी लेता हूं, और कुछ लोग होते हैं केवल ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो तेज़ी से शेयर करिए, तब तो मज़ा आ जाए। थोड़ा सा हर दिन की तरह आज भी हो, थोड़ा संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही, तो आज थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए शेयर करके। और जैसे ही आप वीडियो पर पहुँचे वैसे लाइक करके तब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो गाइस देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसकी तरफ चलते हैं, आज के पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश एक, लाइट इज ऑल, क्या है प्रकाश, क्या है। कह रहा है जलवायवी कारक है, स्थलाकृतिक कारक है, मृदी कारक है, जीवी कारक है, बताइए जरा। कह रहा है कि क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर एंड इडेफिक फैक्टर। PGT बॉटनी 2013 का यह क्वेश्चन है। तो बताइए क्या है, क्या ये बायोटिक फैक्टर है, जीवी नहीं, प्रकाश जीवी फैक्टर नहीं है। क्या यह मृदी कारक है, इडेफिक फैक्टर नहीं। क्या यह टोपोग्राफिक स्थलाकृत स्थल की आकृति बनाता है, नहीं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर इसका सही जवाब है, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर आखिर दो का क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है वर्णक तंत्र में, वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में पूरी एनर्जी किसके रूप में स्टोर होती है, कह रही है ATP के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कि NADH2 के रूप में, P700 के रूप में। TGT बायोलॉजी 2009 का यह क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है भाई, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर है P700, क्योंकि यही इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट का सेंटर भी है, केंद्र है, और यहीं से जो है आगे इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है जो निकलता है, ठीक है। तो संग्रहित होती है एनर्जी यहीं पर, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, कैम पौधे कैसुलेशियन, ठीक है। ये कैम पौधे कह रहा है कि रात में क्या उत्पन्न करते हैं, कैम प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं कैम पौधे। TGT बायोलॉजी 2016 का ये क्वेश्चन है, 2016 का, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है, कह रहा है PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, कह रहा है पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड कि मैलिक एसिड, क्या कैम पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं। इसका सही जवाब है मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं चार की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। देखिए आपको बता दें, हमारा यह सेशन आप लोगों के वजह से ही, आप लोगों के थोड़ा सा मोटिवेट करने से ही डेली का डेली रात 9 बजे चलता है यह सेशन, डेली चलता है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं ये प्रैक्टिस सेशन लेकर के चल रहा हूँ, कुछ जो है रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ सिंपल से क्वेश्चन, अभी इसके बाद हम आपको बता दें इसका लेवल थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करना यानी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हम भी चार्ज होंगे तो ये चार्ज होगा, तो आप लोग चार्ज हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ऊर्जा देते हैं और कितनी ऊर्जा आप लेते हैं, और आपके क्वेश्चन पूरे फंसने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए पूरे टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, कह रहा है एथिल अल्कोहल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज नहीं, पायरुविक एसिड, जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है, पायरुविक एसिड। LT ग्रेड परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन नंबर चार का दो नंबर पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। अगला क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है उसको भी देखिए। कह रहा है हील अभिक्रिया किसका भाग है, हील अभिक्रिया किसका भाग है, PS फर्स्ट, PS सेकेंड, PS थर्ड और डार्क अभिक्रिया। कह रहा है PS फर्स्ट, PS सेकेंड, डार्क रिएक्शन, PS थर्ड, ऐसा कह रहा है PGT बॉटनी 2002। देखिए मैं आपको बता दूं,
आप कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं क्वेश्चन में जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तुरंत गूगल बाबा का प्रयोग करते हैं, गूगल में सर्च किए और सारे क्वेश्चन का जवाब आप गूगल से नहीं ले सकते आप, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन का जवाब गूगल से नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्रश्न डाले गए हैं गूगल पर उसी का उत्तर आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ, आप लोग पूछ लीजिए कि आपके TGT और PGT की एग्जाम कब होंगे, बता देगा क्या? नहीं बताएगा भाई। तो जो जानकारी है उस पर फीड की गई है वही जानकारी वो निकाल करके देता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बारे में, इससे आप लेंगे तो आपको दोनों कन्फ्यूजन कर देगा, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों आएगा, लेकिन इसका सही जवाब हिलम क्रिया आयोग ने क्या माना है, पीएस सेकंड, क्या माना है, पीएस सेकंड इसका सही जवाब माना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अपुंसिया यानी नागफनी का रात्रि के समय आरक्यू क्या होता है, कह रहा आरक्यू ऑफ अपुंटिया इन नाइट टाइम, रात के समय में नागफनी का आरक्यू क्या होता है, बताइए नागफनी का आरक्यू क्या होता है रात्रि के समय में, ठीक है। तो कह रहा है 0 होता है कि 2 होता है, मोर देन 1 कि 1, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वह है 0, क्या होता है 0, शून्य होता है रात के समय में नागफनी का आरक्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स चक्र, अर्थात इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है, क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलाइसिस। कह रहा है फॉस्फोइनाल पाइरूविक एसिड PEP, कह रहा है फ्यूमेरिक एसिड सिट्रिक एसिड एस्टिल को एंजाइम ए। अब देख लीजिए TGT में भी आया है, PGT में भी आया है, दोनों में आया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब जी बिल्कुल हाँ डी नंबर है, एस्टिल को एंजाइम इसका सही जवाब है, डी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है, 7 का डी। अब चलते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम है, ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम क्या है, ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में माइटोकांडिया में, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का सही क्रम क्या है, कह रहा है CBN, देखिए मैं आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन पहले आया था इसका, BCA और उसके बाद A3 ऐसा था, ये भी एक बार ऐसा भी क्वेश्चन करके आ गया था, ठीक है, 4 ही दिया था, अब यहाँ 5-5 हैं, तो C से नहीं स्टार्ट होता, B से स्टार्ट होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, और लास्ट में 3 आता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 है, BC1C और A3, जी हाँ बिल्कुल ये सही आंसर है, क्या सी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। TGT बायोलॉजी 2011 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ देख लीजिए कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ATP का शुद्ध लाभ होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ATP का शुद्ध लाभ होता है, कह रहा है। अब देखिए इसको आप इंटरनेट पे आप ढूंढोगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस कारण मैं कह रहा हूँ गूगल बाबा पे आप देखते हो तो कन्फ्यूजन में और आते हो ना, इसका आप देखोगे तो 8 कई उत्तर ऐसे मिलेंगे, 8, ठीक है, कई आंसर मिलेंगे 2, लेकिन आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है तो भाई इसमें 2 ही तो होंगे, क्या होता है इसका, 2, ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ 8 तो दिख नहीं रहा भाई, ठीक है, 8 तो दिख नहीं रहा है, इसका राइट आंसर क्या है, 2 इसका सही जवाब है, डी नंबर, ठीक है। अगर कहीं से आपको लगता है कि नहीं 8 होगा या इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन होगा, तो आप बिल्कुल जो है, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड किया है, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हूँ, उस पर आप लोग जो है बिल्कुल विद इमेज पिक्चर सहित आप भेजिए, नेट गेन, ठीक है, द नेट गेन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी 1 ग्लूकोज 2 पाइरूविक एसिड का बनना, उसमें क्या होता है, कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है, फाइटोक्रोम्स इन्वॉल्व इन द डिनोवोसिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन जर्मिनेटिंग बार्ली सीड इज
इज, कह रहा है कौन सा हार्मोन है, टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है भाई, कराक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये चार हैं, चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा चारों ऑप्शन में से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, 10 का क्या होता है, जिबरेलिन, क्या है, जिबरेलिन है, ठीक है। जो पादप हार्मोन अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है वो कौन होता है, जिबरेलिन होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में कौन सा हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है, ऋणात्मक प्रभाव कौन दर्शाता है भाई, एपिकल डोमिनेंस पर, कह रहा है द हार्मोन विच हैज निगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज, निगेटिव इफेक्ट दिखाता है एपिकल डोमिनेंस पर, कह रहा है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और इथाइलिन, इथाइलिन, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सिन होगा, जिबरेलिन होगा, इथाइलिन होगा कि साइटोकाइनिन होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है साइटोकाइनिन, क्या है, साइटोकाइनिन, इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं है, कह रहा है देखिए मैं अभी एक्सप्लेन आज नहीं कर रहा हूँ, हर जो है ऑप्शन का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन तो शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा चल रहे हैं, आप लोग जुड़िए तो पहले लगभग संख्या 150 आज पहुँचा दीजिए तब फिर मजा आ जाए, ठीक है, 150 संख्या पहुंचा दीजिए, देखिए ट्रिक बेस और सभी का पोस्टमार्टम होते हुए स्टार्ट हो जाएगा और मैं 50 क्वेश्चन शामिल करने लगूंगा, ठीक है, एक ही दिन में जो चल रहा है 30। कह रहा है अब यहाँ पे कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, देखिए आवश्यक पोषक तत्व कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, अब इसको दो भाग में बांटा गया है इसेंशियल न्यूट्रिएंट को, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मैक्रो लघु और दीर्घ, ठीक है, पोषक तत्व, तो माइक्रो एलिमेंट में कौन है, मैंने बताया था माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो में, देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने आपको ट्रिक बताया था माइक्रो एलिमेंट के लिए कि जाने मन बको मत कल फिर आना, जाने मन बको मत कल फिर आना, बको मत कल फिर आना, ये सब माइक्रो एलिमेंट हैं, और चोन पियस आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो है मैक्रो का एक फार्मूला है, तो यहाँ आयरन भी रहता है, मैग्नीज भी रहता है, जिंक भी रहता है, ये सब तो इसी में आ गए, ठीक है, इसी में आ गए, तो ये इसमें का ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, लेड, लेड जो है आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, सी सा पीबी, ठीक है, पीबी ये आवश्यक पोषक तत्व नहीं, ये आयरन है या फी, और ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, और जिंक है जेडन, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगला क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, देख लिया जाना सूक्ष्म पोषक तत्व, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, यानी ठीक है अब यही क्वेश्चन देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, मैंने कहा ना अभी बताया था जाने मन बको मत मत कल फिर आना, ठीक है, देखो जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान, कॉपर, मोलोब्डिनम और क्लोरीन, आयरन, यही निकिल भी होता है, ठीक है, निकिल भी होता है, तो इसमें से देख लीजिए ये मैग्नीशियम है भाई, ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीज है, यमयन है, और ये है सल्फर और ये है पोटेशियम, तो देखिए इसमें से कौन मिल रहा है, पोटेशियम नहीं, सल्फर नहीं, मैग्नीशियम नहीं, जी हाँ इसका राइट आंसर है मैग्नीज, बी इसका सही जवाब है, बी इसका राइट आंसर है, देख लीजिए बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है, बी, इसी तरीके से पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैंने कहा संख्या आज थोड़ा ताबड़तोड़ बढ़ा दीजिए 150 तक लेके चले जाइए, फिर देखिए थोड़ा आप लोग भी ढीले ढीले से हो गए हैं, ठीक है, संख्या नहीं बढ़ रही भाई, ठीक है, चलते हैं, लेकिन हाँ जितने लोग हैं उतने लोग भाई, जो नहीं पढ़ने वाले उनको जबरदस्ती तो आप पढ़ाएंगे नहीं, जबरदस्ती तो उनको उनके साथ कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, कह रहा है तेज रोशनी में, अरे क्लोरोसिस यूजली आकर इन स्ट्रॉन्ग लाइट ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पायरेशन, कह रहा है इन डार्कनेस, कह रहा ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड
मैग्नीशियम। जी बिल्कुल, लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम दोनों के अभाव के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, सॉइललेस कल्चर, ठीक है, पौधों को उगाना जिसमें मृदा ना हो, तो कह रहा हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, एक्वाकल्चर की हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें 15 नंबर का सी, इसका सही जवाब है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है, जल विभव का नियंत्रण कौन करता है ऐसा कह रहा है। विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल्स, कह रहा है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, बताइए इसका सही जवाब क्या है भाई। इसका जो सही जवाब है, कौन सा रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है, इसका सही जवाब है पोटेशियम आयन। कौन, पोटेशियम आयन इसका सही जवाब है। ठीक है, 16 का सी नंबर। 17 नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, कौन सा ऑक्सीजन है, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाई ऑक्सीजन, कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा इनएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कह रहा है डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, यूरिएज और फास्फेटेज, बताइए एंजाइम के अंत में एज लगता है ना, तो सभी एंजाइम, तो इसमें कौन निष्क्रिय हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है गैनांग पोटोमीटर से मापन होता है, ये देख लीजिए गैनांग पोटोमीटर से क्या मापते हैं, गैनांग पोटोमीटर इज यूज टू मीजर। ठीक है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का मापन, वाष्पोत्सर्जन का, ये सभी की श्वसन का, बताइए किसका मापन करते हैं भाई इसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन 18 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 19 में देखते हैं कि 19 में क्या कह रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं, देखिए द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पौधों पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होने की क्रिया क्या कहलाती है, कह रहा है गटेशन, नहीं एक्सक्रीशन, नहीं नन ऑफ दीज, कह रहा है ट्रांसपिरेशन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है बिल्कुल ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का यानी जल का वाष्प के रूप में पौधे के वायवी भागों के द्वारा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, अर्थात ट्रांसपिरेशन कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ठीक है 20 आपके सामने है, कह रहा है फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव, स्प्रेइंग ऑफ फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसके छिड़काव से क्या होता है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करता है, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है, श्वसन की दर में कमी लाता है, देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब भाई, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट के अंदाज में, इसका राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहा है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जी बिल्कुल रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इसका सही जवाब है, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव करने पर वाष्पोत्सर्जन में क्या लाता है, कमी लाता है। ठीक है, कमी लाता है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, इसीलिए आपको थोड़ा सा मेहनती, जिद्दी, जुनूनी बनना पड़ेगा भाई, केवल पीडीएफ के चक्कर में नहीं कि भैया गुरुजी पीडीएफ दे दीजिए, कोई चीज़ देखा ये दे दीजिए, मेहनत जब तक आप अपने हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे, अपने हाथ से नहीं लिखोगे गाइस, तब तक जो है
बड़ी मुश्किल होती है कि याद हो। कई लोग कहते हैं सर याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसका एक ही फंडा है, एक ही रास्ता है कि आप बार बार अपने प्रैक्टिस करो उसको, बार बार प्रैक्टिस करो और एक अपनी थोड़ा सा माइंड सेटअप वाली नोट्स छोटी सी बना लो, उससे ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं क्वेश्चन आप सबके लिए ले आया हूँ, आपके लिए ले आया हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, जैसे हर दिन करते हैं आप। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता है लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता हो, उसे क्या कहते हैं? बहुत सोच समझ करके इसका आंसर करना है आप। ठीक है, कह रहा है द स्टोमेटा विच आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट, मतलब खुला तो रहता है हमेशा रात दिन में, बट क्लोज फ्यू आवर्स, लेकिन कुछ घंटों के लिए, सनसेट सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को कह रहा है अल्फा, अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, रूमेक्स टाइप और बैरली टाइप, ये स्टोमेटा के प्रकार हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बताइएगा, ऑफलाइन मोड में जब हो जाए यह, ठीक है, यह बिल्कुल लेक्चर, तब इसका एक जबरदस्त कमेंट साथ इसका आंसर आपसे हमको चाहिए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी किसी का नाम भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है, कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है, कह रहा है देखिए वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू, कह रहा है टर्गर प्रेशर टीपी, वाल प्रेशर डब्ल्यू पी, डिफ्यूज प्रेशर डेफिसिट डीपीडी, इसके कारण किसके कारण होता है? टीपी कारण, डब्ल्यू पी कारण, डीपीडी के कारण, नन ऑफ द अबव, बताइए। पीजीटी बॉटी 2011 इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीडी, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डीपीडी हो जाएगा, डिफ्यूज प्रेशर डिफिसिट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विसरण दाब न्यूनता के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं गुरुजी गलत कर दिए हैं तो आप उसका क्लिक लीजिए और बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए विद पीडीएफ के साथ, फिर अगर आप, मैं इस पर बात, उस पर कार्य करूंगा, फिर देखूंगा, फिर एक ऐसे ही मैं लेक्चर लेकर के आने वाला हूं जो कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी कन्फ्यूजन वाले हैं, एक लेक्चर मेरा आने वाला है। विलय विभव साइज सदैव होता है, कह रहा है सल्यूट पोटेंशियल साइज ऑलवेज, कैसा होता है? कह रहा है निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है कि वन होता है कि जीरो होता है, बताइए। विलय विभव सल्यूट पोटेंशियल, इसका मान सदैव क्या होता है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है निगेटिव, सीधे सीधे, ठीक है, कैसा होता है? निगेटिव, नकारात्मक, ए नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी, किसने की थी भाई? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई, किसने दिया था? ई मुंच ने दिया था, जेलिच ने दिया था, कि बोस ने दिया था, कि रेबिनोविच ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था भाई एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना बताइए? इसका जो है सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ई मुंच, एक नंबर इसका सही जवाब है, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, 25 ये रहा, स्फीति कोशिका में होता है, कह रहा है इन अ फुल्ली टर्जिट सेल, इन अ फुल्ली टर्जिट सेल, कह रहा है ओपी बराबर जीरो, डीपीडी बराबर जीरो, टीपी बराबर जीरो, टीपी बराबर डीपीडी, पीजीटी बायोलॉजी 2005 ऐसा भी क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा भी, ये बहुत ही एक क्वेश्चन समस्या उत्पन्न करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो फिसल जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डीपीडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, स्फीति दाब यानी इन आ टर्जिट फुल्ली टर्जिट सेल डीपीडी बराबर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 देखिए और इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाय, ट्रॉपिक मूवमेंट अनुवर्ती गति का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है सेल इनलार्जमेंट, सेल बेंडिंग, सेल डॉर्मेंसी, सेल डिवीजन, बताइए। टीजीटी बायोलॉजी 2010 बताइए अनुवर्ती गति का मुख्य कारण क्या है? क्या है भाई इसका राइट आंसर? जब क्वेश्चन में आप उलझेंगे ना तभी सुलझेंगे, ठीक है, उलझना आप सीखिए क्वेश्चन में तब मजा आएगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। अनुवर्ती गति का मुख्य कारण क्या है? कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 27 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय
छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय करा स्फीति में परिवर्तन होता है। कह रहा है पत्रक में, अनुपण में, पर्णवृंत तथा तने में, फूले पणाधार में, लीफलेट्स, स्टिप्यूल, पेटियोल एंड स्टेम, पेल्विनस, लीफ बेस। ड्यूरिंग द सिस्मोलास्टिक मूवमेंट इन मीमोसा प्यूडिका टर्गर प्रेस टर्गर चेंजेज ऑकर इन। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, बताइए इसका 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है पेल्विनस लीफ बेस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, फूले पड़ा धार में। ठीक है, छुई में कंपन कंचन गति के समय स्पीड दाब में परिवर्तन फूले काड़ा धार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कह रहा है उसको भी देखिए। प्रतान दर्शाते हैं, द टेंड्रिल सोच, टेंड्रिल क्या दर्शाते हैं। कह रहा है स्पर्शानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, हाइप्टोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। बताइए प्रतान टेंड्रिल जो होते हैं मूछ जैसे नहीं निकल लेते हैं टेंड्रिल, वो क्या दर्शाते हैं बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, क्या दर्शाते हैं भाई टेंड्रिल। देखिए वो उधर ही चलते हैं टेंड्रिल, जब स्पर्श होता है तो वहीं जाकर के फंस जाते हैं, स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन उधर चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 की तरफ चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है दीप्तकालिता फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। कह रहा है लाइसेंको, एफ डब्ल्यू वेंट, गार्नर एंड एलार्ड, स्कूक एंड मिलर। ठीक है, स्कूक एंड मिलर ये सब हार्मोन से हैं, एफ डब्ल्यू वेंट भी हार्मोन से हैं। दीप्तकालिता यह किसने दिया, गार्नर एंड एलार्ड ने दिया। डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 29 का डी सही आंसर है, किसने, गार्नर और एलार्ड ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किसे पादप कारकी का जनक कहा जाता है। बहुत सस्ता क्वेश्चन है, एकदम सस्ता। ठीक है, कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है। जोसेफ प्रिस्टले, स्टीफन हेल्स, एफ ब्लैकमैन, रॉबर्ट हिल। देख लीजिए किसको कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। किसको कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और आज का आपका टॉपिक ही था प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, स्टीफन हेल्स हैं, स्टीफन हेल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई, आगे चलते हैं। अगला क्या है उसको भी देखते हैं। अच्छा ये कमेंट आ गया भाई, फटाफट पढ़ते थे हैं कमेंट जल्दी जल्दी से। ठीक है, कितने लोग ने मोटिवेट किया है, कितने लोग बिल्कुल लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे रहते हैं बिल्कुल, मैंने बताया था। देखिए मौर्या जी टारगेट पीजीटी सक्सेस की कोई खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। भैया पसीने बहाओगे, मेहनत करोगे तो सफलता आपकी ही दीवानी हो जाएगी, आपकी दीवानी हो जाएगी, आपके पीछे चलेगी। ठीक है, अगर मेहनत करने वालों पर वो फिदा होती है, ठीक है, सफलता। थैंक गुरुदेव जी, योर लेक्चर इज माइंड ब्लोइंग दिस सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अच्छा ये ऑफलाइन बैच के भी हैं, योर ऑफलाइन क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक्स लॉट सर जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पढ़ा था भाई। ठीक है, चलिए एमएससी में इन्होंने पढ़ा तो यहाँ पर। चलिए अगला कमेंट देख लीजिए आप, बिल्कुल दीपक जायसवाल जी का है। लिखते हैं सफलता को पाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। बहुत अब कम शब्दों में बहुत शानदार बात इन्होंने कह दी। ठीक है, क्या लिख दी, सफलता को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है भाई। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवार और आत्मिक आभार, जो आप हमें सफल बनाने के लिए निरंतर अथक परिश्रम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला देखते हैं कि अगला क्या है, किसका कमेंट है कि नहीं है भाई, देखते हैं। हाँ ये हैं भाई शिखा वर्मा, आज इनका पहला कमेंट शामिल हुआ है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। जी बिल्कुल, और डेली डेली यही तो है, डेली के डेली अभ्यास कर रहे हैं आप लोग,
और यही है कि एक दिन अनबिलीवेबल को भी बिलीवेबल में भी चेंज कर देगा। ठीक है, आपकी जितनी सर आपकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, क्योंकि बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से इतना इंपॉर्टेंट मैटर कहीं नहीं मिलता बिना पैसे के। धन्यवाद सर, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा वर्मा जी। ऐसे ही कमेंट देखिए हमको मोटिवेट हमको भी करते हैं। अच्छा एक और आ गए भाई, ये किनका कमेंट है? ज्योति मिश्रा जी का। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही प्रेरणादायक ये सब स्रोत हैं, प्रेरणादायी ये बातें हैं। ठीक है, थैंक यू गुरुदेव, डेली सेशन विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत थैंक यू ज्योति मिश्रा जी। ठीक है, ज्योति मिश्रा जी का कमेंट अगला भी है क्या? हाँ है। आनंद मिश्रा जी का कमेंट है, लिखते हैं न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। खेल वेल नहीं भैया है, ये अपनी तरफ चलिए, लेकिन इनका इनका भाव प्रकट हो रहा है हम मेहनत के लिए। गुरुदेव आपको सादर प्रणाम। गुरुदेव आपकी क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण दवा के समतुल्य है, आप हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, वह इतना लाजवाब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका चरण स्पर्श करता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आनंद मिश्रा जी। ऐसी ही बात लिखने के लिए आप भावनाओं को समझ रहे हैं, मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता, हम आपकी सफलता मतलब मेरी सफलता। देख लीजिए आरती राजपूत जी, आरती राजपूत जी का भी कमेंट आ गया कि ना गर्मी ऊन में होती है, भैया गर्मी बहुत लग रही है ना, देख रहे पसीना बहा रहे हैं, तो क्या लिखती हैं कि ना गर्मी ऊन में होती है ना गर्मी जून में होती है। वाह क्या बात है, ना गर्मी ऊन में होती है ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, गर्मी तो आपके अंदर के जुनून में होती है। बहुत शानदार बात, ठीक है, कम शब्दों में जबरदस्त। सर जी योर सेशन लाइक एज ब्यूट, अच्छा ये तो आंसर दिया कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर है, बहुत ही बढ़िया आरती राजपूत जी। ये लोग भी बड़े मोटिवेट करते हैं भाई, ठीक है, बहुत ही मोटिवेट करते हैं। अंकिता मौर्या हो गए, आरती राजपूत हो गए, ऋचा सक्सेना हो गए, ये सब जो है बहुत जबरदस्त तरीके से कमेंट करते। एक बात और बता दें, अंकिता मौर्य जी का, हाँ अंकिता मौर्य जी का कमेंट बहुत लंबा चौड़ा हो गया था भाई, बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी थी इसलिए इसमें शामिल नहीं कर पाए। ठीक है, अंकिता मौर्य जी का कमेंट, ठीक है, और लिखती हैं कि मैं जो है ये कहाँ सी हैं भाई, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा से। चलिए आज के सेशन में गाइस बस यहीं तक, क्या इस तरह से सेशन चल रहा है, क्या कमेंट जो हम सम्मिलित करते हैं क्या ठीक नहीं है? अगर ये ठीक नहीं होगा तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो फिर हम कमेंट भी सम्मिलित नहीं करेंगे। चलिए आज की क्लास है गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर साथ। ओके थैंक यू, जय हिंद।